आज उपन्यास करते हैं। आठ बजे से जो टेस्ट का बोले तो सब मना कर रहा है अभी टेस्ट का, कि सर क्लास को पहले कंप्लीट करा दीजिए, आठ बजे से क्लास ले लीजिए अलग बात है, आठ बजे से ग्यारह बजे तक ले लीजिए, 10:30-11 बजे तक, और टेस्ट को दे दिए जो लिखेंगे वो बाद में अपने टाइम में लिख लेंगे, ऐसे लोगों का कहना है। आप लोगों का क्या राय है? हाँ तो कल से हम लोग 8 बजे मिलेंगे, नीचे में बोल रहा है या ऊपर में कहीं पे जो भी होगा गेट खोल लेना, कौन कोई चाबी रहता है ना यहाँ पर नीचे। हाँ तो यही यही बेस्ट है, तो इस माहौल बना हुआ यहीं पे गेट खोल लो, आखिर तो गेट खोलना ही है। हाँ गुड मॉर्निंग, यहीं पे गेट खोल लेना, तो 8 बजे से क्लास करके खींच देंगे, और कुछ कुछ टेस्ट भी टॉपिक वाइज देते चल जाएंगे, उसको अपने हिसाब से अपने टाइम से टाइम निकाल के लिखते रहना, लिख के दिखाना, ठीक है। और बाकी लोग अभी और आए हैं नीचे हैं क्या? उपन्यास, उपन्यास के बारे में किसी को कुछ पता है? राम कहानी थोड़ा बहुत भी, किसको कहते हैं उपन्यास? क्या गद्य? विस्तृत रूप गद्य का, गद्य का विस्तृत रूप, ठीक है। और पूरी जीवन गाथा है, जीवन गाथा मतलब संपूर्ण, और बताओ और क्या हो सकता है? उपन्यास को इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहते हैं? नॉवेल, ठीक है। तो उपन्यास में याद रखना, उपन्यास में क्या क्या चीज़ है हम लोग को वो देखना। उपन्यास में, उपन्यास पहले तो कहते किसको हैं, ये है एक, दूसरा उपन्यास के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व क्या क्या है? बेसिकली आवश्यक तत्व सब में मोटा मोटी एक ही है, कहानी में एक ही है, थोड़ा वो डिफरेंस है नाटक में, थोड़ा वो डिफरेंस कहेंगे, आवश्यक तत्व सबका एक ही है। इसमें 6 आवश्यक तत्व को बताया गया है, 6 आवश्यक तत्व को बताया गया है वो हम लोग देखेंगे। तीसरा इसमें है उपन्यास कर भेद, ठीक है। उपन्यास का भेद इस जो आवश्यक तत्व है इसी के आधार पर, आवश्यक तत्व जो है कर आधार पर देखेंगे, ठीक है। खासकर बेसिकली कौन सा? कथा, कथा कर आधार पर, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब एक एक लाइन का। चौथा, इस भेद में भी एक आता है प्रकार, 2 प्रकार होता है, लघु उपन्यास और दूसरा आता है बृहद, बृहद उपन्यास, ठीक है। ये 2 उपन्यास आता है। चौथा इसमें देखेंगे हम लोग उपन्यास वर्सेस कहानी और उपन्यास वर्सेस नाटक, ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट उपन्यास को हम लोग देखेंगे, 5-6 हैं जिसमें से 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी उपन्यास में से देखेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण उपन्यास, ठीक है, इसको देखेंगे। शकुंतला मिश्र का है एक उपन्यास, बहुत अच्छा लिखी है, उसको देखेंगे। ये इसमें चीज़ को हम लोग देखेंगे।
ठीक है। सबसे पहले उपन्यास जो है ना, उपन्यास किसी भी रूप में हो सकता है, पौराणिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, किसी के जीवनी पर आधारित हो सकता है, किसी भी। इसका सबसे बृहद रूप को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें, अगर वेन डायग्राम बनाया जाए तो उपन्यास जो होता है सबसे बृहद रूप को धारण करता है। इसी का छोटा रूप को हम लोग कह सकते हैं कहानी। कहानी बेसिकली एक खंड का, एक चीज़ का उसका संपूर्ण अध्ययन। लेकिन उपन्यास है ना, इससे भी बृहद रूप से इसका मतलब कि अध्ययन। जिसे अगर बोला जाए जो गद्य साहित्य का जिसे बोले संपूर्ण अध्ययन, तो उसको हम कह सकते हैं उपन्यास। उपन्यास में हर कुछ आ सकता है। किसी एक चरित्र चित्रण, एक चरित्र के आधार पर भी उपन्यास हम लोग लिख सकते हैं। जैसे किसी का भी जीवनी के आधार पर, जो नॉवेल के रूप में हम लोग जिस रूप में बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर नॉवेल, किसी पे एक पर्सनालिटी पे उसका कंप्लीट अध्ययन, उसको कहेंगे हम लोग उपन्यास। तो उपन्यास का जो क्षेत्र है ना, बहुत ही वाइड हो जाता है, सबसे ज़्यादा वाइड क्षेत्र पे, ठीक है। इस यही है बेसिकली उपन्यास। उपन्यास के लिए डिफरेंट लोग परिभाषा भी दिए हुए हैं। इसमें एक चीज़ और आ जाएगा, उपन्यास का अन्य जो साहित्यकार है उसके हिसाब से उपन्यास क्या है, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो उपन्यास के लिए बेसिकली जितने भी हिंदी राइटर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लिखे हैं। तो उसी का दो तीन हम लोग देख लेंगे अपने आंसर में लिखने के लिए। जब उपन्यास को हम लोग डिफाइंड करेंगे तो वहीं पर लिख देंगे अन्य साहित्यकार लोग क्या क्या बोलते थे, किस रूप में बोले। तो इतना एंगल है उपन्यास का। इतना एंगल को अगर कंप्लीट कर लें तो उपन्यास कुछ छूटने वाला नहीं है। जो भी इसमें महत्वपूर्ण उपन्यास देखेंगे उसमें उसका एनालिसिस होना भी बहुत ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर, जैसे तुम्हारा इसका है दखल दहनी, उसके बाद शकुंतला मिश्र का कौन सा उपन्यास है, गोंजू साहब का भी उपन्यास है जिसको हम लोग पत्र के रूप में वो लिखे थे, लेकिन उसको खुद ही नहीं बोलते हम उपन्यास का कैटेगरी, लेकिन नागपुरी साहित्य के लोग बोलते नहीं ये उपन्यास है, लघु उपन्यास है, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि नहीं ये हम एक पत्र के दृष्टिकोण से लिखे थे, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे, उसको उसका कुछ विवरण देखेंगे। तो 5-6 इम्पॉर्टेंट है, उसको शंकर एक झिंगे का नाव समथिंग कुछ करके है, वो किसका उपन्यास है, किधर ही रामगंजू का कि इसका गंजू साहब का, अच्छा देखते हैं, ठीक है। तो ये उपन्यास का, उपन्यास के बारे में और कोई एंगल हो तो बताओ। कोई तुम लोग अगर पहले रजनी पहले तुम पढ़ी हुई है, बताओ क्या क्या पहले पढ़ी थी उपन्यास में, उपन्यास में कुछ डिटेल पढ़ी थी, बताओ। नहीं, और ये रेनु नहीं पढ़ी थी, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है या सेकेंड है, मीन्स सेकेंड है ना, हाँ। और सुप्रिया शैल्या नहीं, तो देखो यही है उपन्यास। इतना कैटेगरी में करने पे नागपुरी में कोई भी उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं छूटने वाला, ये याद रखना। इसी एंगल में हम लोग सारा चीज़ को करेंगे उपन्यास को, ठीक है। तो लंबा है लेकिन तगड़ा है। इन सब से एक सेगमेंट से गद्य साहित्य से क्वेश्चन आएगा, पूर्ण सेगमेंट आएगा। मेरा जो एनालिसिस कर रहा है, नाटक आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। चलो लिखो उपन्यास को डिटेल में, तो लिखो। अरे इतना शरीर थक गया ना, मन ही नहीं कर रहा, लिखो। अभी आ रहे हैं गांव से, भागे भागे, कल बहुत लेट हो गया था। नहीं तो नहीं, हाँ हम देंगे कल से, हम कल से क्वेश्चन देना शुरू कर देंगे। अब जैसे उन लोगों को सबका कहना है कि नहीं जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लिखेंगे, तो जो लोग शुरू से अपना लिखना चाहते हो वो अपना लिखें,
कोई भी वक्त में जब यहाँ क्लास नहीं होता या फिर खाली वक्त होगा आधा घंटा बैठ के उसको लिख लीजिए, हमको अगले दिन दे दीजिएगा, ठीक है, तो दोनों का पर्सपेक्टिव पूरा हो जाएगा। ठीक है, उपन्यास को अगर तोड़ा जाए, संधि किया जाए, तो कैसे कैसे संधि होगा इसका? बोल रहे खुशबू, हाँ नहीं, उसको अगर देखा जाए, देखो उप प्लस नी प्लस आस धातु, आस धातु इसी को कहते हैं अच धातु भी, उप नी प्लस आस धातु नी आस इसी को अच धातु भी कहते हैं, अच धातु के श्रेणी का ही है। ठीक है, पहले का कहानी वगैरह सब कर रहा है या फिर छोड़ दिया? पहले का कुछ कहानी वगैरह कर रहा है? कहानी हो गया, नाटक हो गया, कोई कोई भी कुछ अपना लिखने का कुछ भी सिनॉप्सिस कौन बना चाहे? चलो लिखना छोड़ दो, कौन अपने स्तर में सिनॉप्सिस बना रहा है, ईमानदारी से बताओ। रजनी बना रही है कि नहीं बना रही है? क्या ग्रामर सेक्शन का बना के क्या कर लेगी? वो तो सबको ही बना लेगी, मेन इंपॉर्टेंट का बनाओ ना, ग्रामर का कोई जब उतना ज़्यादा ये नहीं है, हेडेक नहीं है, दो दिन बैठेगा ना ग्रामर ख़त्म हो गया, ग्रामर में हेडेक नहीं ना है, जो हेडेक है उस पर बनाओ ना। नहीं बनाए बनाओ यार, तुम लोगों को कैसे बच्चे थोड़ी हो कि बार बार ए बाबू खाना खा लो, ए बाबू खाना खा लो ना, चंदा मामा गुड़ के बुआ पकाया गुड़ के बोल के खाना खिला ग्रुप, वो वाला थोड़ी सिद्धांत है यार। ये क्या ये हरीश, हरीश रावत बनाएंगे, अच्छा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है बनाना है, अच्छा दूसरा का बना रहे हो, अच्छा 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 नहीं नहीं एग्ज़ाम के बाद बनाएंगे, क्या ज़रूरत है, रिजल्ट आएगा उसके बाद ना फिर एनर्जी आएगा, रिजल्ट आने के बाद उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है कि आज तो दो चार दिन ऐसा आएगा कि फाड़ देंगे चीर देंगे बराबर कर देंगे, वो वाला एनर्जी आता है। ठीक है, नहीं बनाओ यार, तो अभी बना लो, नहीं बनेगा लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट हड़बड़ा जाओगे यार, कैसे होगा काम, बात मेरा मानो, रट के कोई फायदा नहीं होगा, नहीं मानोगे बाबू लोग तो कैसे चलेगा। लिखो चलो, उपन्यास शब्द कर उत्पत्ति उप प्लस नी प्लस आस धातु कर योग से हुई है। जेकर में उप और न्यास प्रमुख शब्द आहे, उपकर अर्थ, उपकर अर्थ क्या होता है? उपकर अर्थ उप प्लस न्यास, उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है रखना, समीप रखना। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये वेद के समय में जो पौराणिक समय में देखा है तो ऋषि वगैरह क्या होता था, अपना जितना शिष्य है ना उसको सामने बैठाता था और उसके बाद सारा चीज़ का बखान करता था, उसी से निकल के आया था ये समीप रख कर बताना, रखना समीप बैठा के बताना, वो निकला था। तो इसका बेसिकली अर्थ होता है समीप रखना, समीप रखना मतलब किसी भी जीवनी का, अगर सपोज दैट अब हम इसको उपन्यास के संबंध में रख रहे हैं और इसको कनेक्ट कर रहे हैं, किसी का भी जीवनी है उसको आपके सामने रखा जा रहा है,
उसके पूरे संपूर्ण पहलू को, उसी को कह दिया उपन्यास। किसी भी कोई पौराणिक ऐतिहासिक कोई कथा है उसको आपके सामने रखा जा रहा है, उसी को कहते हैं उपन्यास। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड याद रखना, उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है रखना। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली क्लास ले रहे सर, क्लास ले, हम 11 बजे फ़ोन करते हैं। ठीक है, तो लिखो उप का अर्थ समीप और न्यास कर अर्थ राखेक थोएला। अर्थात केकरो जिंदगी या ऐतिहासिक पौराणिक कथा के साहित्यकार या उपन्यासकार पाठक कर सामने रखे ना। ई आधार पर उपन्यास शब्द का अर्थ सब जितना लिटरेचर का पार्ट है ना, संस्कृत का हिंदी का, सब पहलू को निचोड़ कर तुम लोग को लिखवा रहे हैं। ठीक है, इस ई आधार पर उपन्यास शब्द का अर्थ ई प्रकार कहल जा सकेला कि एक लेखक अपन जीवन और समाज कर आसपास कर घटना या गतिविधि कर अनुभव के अपन भाव विचार से कल्पना कर द्वारा सजा संवार के हमरे कर सामने प्रस्तुत कराना। पैराग्राफ चेंज, उपन्यास आधुनिक जीवन का यथार्थ के बहुत समीप से निकटता से पहचाने और उपस्थित करेकर विधा आहे। उपन्यास कर परिभाषा
उपन्यास का परिभाषा बताए मुश्किल आहे तालो तालो ओकर परिभाषा के ई रूप से कहल जा सकेला कि उपन्यास उ आधुनिक गद आहे गद विधा आहे जे यथार्थ के बहुत सहजता से उभारेला उपन्यास कर कथा काल्पनिक और यथार्थ दुयो होएला कहेक मतलब आहे कि ई काल्पनिक के साथ साथ जीवन कर यथार्थ कर ही कथा होवेला जीवन कर यथार्थ कर ही कथा होवेला इनकर पात्र इनकर पात्र जीवंत और यथार्थ होवेला इनकर पात्र जीवंत और यथार्थ होवेला कौमा घटना मन हमरे मन कर जीवन के बीच से होवेला जेकर में एक तार्किक संगति होवेला एक तार्किक संगति होवेला पैराग्राफ चेंज उपन्यास कर परिभाषा और अर्थ के बताएक में उपन्यास कर परिभाषा और अर्थ के बताएक में विभिन्न साहित्यकार कर विचार प्रमुख हो जाएला जेकर में प्रमुख विचार निम्नलिखित है पॉइंट नंबर वन प्रेमचंद का विचार डैश देके नीचे लिखना उसका ब्रैकेट में मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ मानव जीवन पर प्रकाश डालना मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ मानव जीवन पर प्रकाश डालना और
उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व हैं। मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व हैं। सेकेंड, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दो तीन लिख लो, सिर्फ एक खाली प्रेमचंद को भी कोट कर दोगे अच्छा है, जब याद रहेगा दूसरा भी लिख लोगे और अच्छा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, उपन्यास सबको ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट उसको क्या बोलते हैं, ऊपर में जो ब्रैकेट डालते हैं पोस्ट ऑफिस से, हाँ इन्वर्टेड कोमा, हाँ इन्वर्टेड कोमा, हमेशा हम भूल जाते हैं, इन्वर्टेड कोमा में डालना। हाँ हाँ, गजबे मास्टर है लेकिन अभी। नेक्स्ट, श्याम सुंदर दास, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। नेक्स्ट, डॉक्टर राम विनोद सिंह। तीन लिखा देते हैं, डॉक्टर राम विनोद सिंह, उपन्यास इन्वर्टेड कोमा में ही, उपन्यास समाज तथा व्यक्ति के, उपन्यास समाज तथा व्यक्ति के अनुभव संपदा को, बाह्य व्यक्ति के बाह्य जीवन का अनुभव संपदा को उसकी समस्त वास्तविकता, उसकी समस्त वास्तविकता कौमा परिवेशगत वास्तविकता, परिवेशगत जीवंता जीवंतता तथा ऐतिहासिकता से जोड़कर प्रस्तुत करता है। पैराग्राफ चेंज, ई लखे हमरे कह सकेला कि उपन्यास काल्पनिक गद्य कथा आहे, जेकर में वास्तविक जीवन से मिलता जुलता चरित्रमन और क्रियाकलाप मन कर क्रियाकलाप मन कर विस्तृत और सुसंबद्ध और विस्तृत और सुसंबद्ध चित्रण होवेला, जैसे मुंशी प्रेमचंद कर गोदान।
ठीक है। नेक्स्ट है उपन्यास का तत्व, आवश्यक तत्व। उपन्यासकार उपन्यासकार विभिन्न अर्थ और विचार विभिन्न अर्थ और विचार के जाने के पाछे हमरे मन ई निष्कर्ष पे पहुँचीला कि आवश्यक तत्व हेडिंग मार देना ताकि तुम लोग को पता रहेगा बाद में अपना रिवीजन के समय में पहुँचेला कि कहानी और नाटक लिखे उपन्यास उपन्यास कर भी आवश्यक तत्व होएला। आवश्यक तत्व होएला विद्वान मन उपन्यास कर छह आवश्यक तत्व स्वीकार कर हैं। पहला कथावस्तु, दूसरा चरित्र चित्तन, तीसरा कथोपकथन, उसी को संवाद कह सकते हैं, तीसरा कथोपकथन, कथा का उपकथन, कथोपकथन वही संवाद, चौथा भाषा शैली, पांचवा देशकाल परिवेश। देशकाल परिवेश कोई पूछा था ना क्या इसका मीनिंग होता है, कौन पूछा था लास्ट टाइम जो बताना भूल गए थे वो हड़बड़ी में फिर निकल, कोई पूछा था ना देशकाल परिवेश, और छठा उद्देश्य। देशकाल परिवेश छठा उद्देश्य। देशकाल परिवेश कौन पूछा था कि देशकाल का मतलब क्या, कोई पूछा था, हमको याद नहीं आ रहा कौन पूछा था लास्ट टाइम जब बताए थे नाटक कहानी वगैरह में किसी महाकाव्य वगैरह में। देशकाल उद्देश्य का मतलब क्या होता है, देशकाल परिवेश का मतलब बताओ खुशबू। अगर इसी को एक्सप्लेन करना पड़ा कथा वस्तु को, चरित्र चित्रण को, संवाद को, भाषा शैली को, देशकाल को, उद्देश्य को, तो क्या लिखेगी देशकाल में रजनी? कोई पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा कोई पूछा था, क्योंकि उस दिन लास्ट में पूछा था भी हड़बड़ी में निकल गए भूल गए। बताओ जी कोई बताओ। देखो देशकाल परिवेश में ना परिवेश मतलब उस पर्टिकुलर समय का ना परिवेश लिख रहा है ना, देशकाल देश एक तरह का स्थान सूचक है, काल समय सूचक है, तो जब यह उपन्यास लिखा जाता है उस वक्त का वातावरण परिवेश कैसा था, किस जगह को संदर्भ करके लिखा गया उसको भी रखना चाहिए, जरूरी है। उस समय का समय क्या था, समय के हिसाब से उस समय का किस परिवेश, उस समय का वातावरण कैसा था, उस समय का उस पर्टिकुलर काल का, उसको भी समाहित करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उपन्यास को बेस्ट होगा। अब मान लो हम कोई भी उपन्यास लिख रहे हैं पौराणिक कथा का, ठीक है,
ऐतिहासिक कोई उपन्यास लिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ का वर्णन ही नहीं करेंगे, सिचुएशन का वर्णन ही नहीं करेंगे, तो वो तो अधूरा होगा ना। उसी को कहता है देश काल परिवेश, ठीक है, कि उस समय का जो सिचुएशन है उसको भी एक्सप्लेन करना, समय कैसा था उसको भी एक्सप्लेन करना, उसी के संदर्भ में लिखना, उसी को कह रहा, उस चीज़ का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे बोला गया, देखो इसको हम इसको अपने संदर्भ में लिखना, जैसे पहला था कथा वस्तु, कथा वस्तु, इस कथा वस्तु का क्या होगा क्षेत्र, ये सबको जान रहा, चरित चित्तन, चरित चित्रण या पात्र बोलो। अब पात्र नाटक का सबसे विशेष पहलू था, वो पात्र के माध्यम से संवाद को पूरा करता था नाटक में, अभी हम डिफरेंस बताएंगे उसमें, लिखाएंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विभिन्न पात्र, जो भी पात्र में कौन कौन हो सकता है, व्यक्तिगत व्यक्ति भी हो सकता है पात्र। जैसे हम मान लो किसी के जीवनी को लिख रहे हैं तो उसका व्यक्तिगत हो ना पहलू जीवन, तो वो व्यक्तिगत रूप में भी वो पात्र हो सकता है। तो पात्र का यहाँ पे ये है, सिंगल भी पात्र हो सकता है, उसके अराउंड में उसके लाइफ में और भी कोई इम्पॉर्टेंट पहलू है या व्यक्ति है, पर्सनालिटी, वो भी पात्र हो सकता है, ठीक है। कथा वस्तु में क्या है, कथा वस्तु ऐतिहासिक हो सकता है, पौराणिक हो सकता है, व्यक्तिगत जीवनी पर आधारित हो सकता है, या समसायिक कोई घटना से रिलेटेड किसी को का जीवन से हो सकता है, ये एक पहलू है, पात्र हो गया। भाषा शैली, भाषा शैली क्या होगा, बिल्कुल सहज रूप से क्या हो सकता है भाषा शैली बताओ जरा, रजनी भाषा शैली कैसे हो सकता है, सहज और सरल, बस खत्म, फुल स्टॉप। और तो नागपुरी के संदर्भ में, ठीक है, कथा वस्तु के अनुसार भाषा शैली होना चाहिए। और कोई बताओ, अपने विचार से बताओ ना, हम इसको छोड़ दे रहे थे कि चलो कथा वस्तु तो इसमें भी दिखाना पड़ेगा क्या रे, ठीक है। उद्देश्य, उद्देश्य का क्या डिफाइन करोगे, उद्देश्य, उद्देश्य को किस तरह डिफाइन करोगे, करना हो तो उपन्यास का जो उद्देश्य होता है, जहाँ तक अगर व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो किसी के जीवनी को प्रेजेंट करने का उद्देश्य यही होता है कि उसके जीवन में जो भी स्ट्रगल रहे, सफलता जिस रूप में मिले, उस तरह समाज के विभिन्न वर्ग तक पहुँचे वो बात, आज के युवा तक पहुँचे, वो एक मुख्य उद्देश्य रहता है। सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से लोगों को और जागरूक बनाना, ये उद्देश्य होता है हर का। एक उद्देश्य हमेशा छुपा रहेगा किसी उपन्यास की, ये नहीं कि हम किसी के बारे में लिख दें, कुछ ना कुछ होगा तभी जाके उसको प्रेजेंट किया जा रहा, ठीक है। संवाद, संवाद को भी उसी दृष्टि से देखें, कथा का जो संवाद होगा वो संवाद का माध्यम क्या है, किस माध्यम से हम संवाद दे रहे हैं, और संवाद देने का मतलब क्या है, वो उसको वहाँ पर संवाद तुमको देना होगा, ठीक है। अगला क्या था, संवाद हो गया, देश काल हो गया, भाषा शैली हो गया, चर्चित उद्देश्य हो गया। तो इसको एक्सप्लेन अगर करना पड़े ना, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जब अगर डिटेल में पूछ रहा हूँ, वहाँ एक एक दो लाइन का एक्सप्लेन करना होगा, उसको पैराग्राफ में ही एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, उपन्यास और कहानी में अंतर। अच्छा, उपन्यास का भेद वो बता देते हैं, उपन्यास का, हाँ उपन्यास का भेद लिखो अभी, उपन्यास का भेद, आकार के दृष्टि से देखल जाए तो उपन्यास कर दुई भेद होएला, वृहद उपन्यास और लघु उपन्यास। जहाँ बृहद उपन्यास, पंखा नहीं चल रहा क्या, बृहद उपन्यास में अनेक पात्र और
असंख्य घटनामनक जिक्र होवेला, असंख्य घटनामनक जिक्र हो गया, मतलब किसी का जीवनी लिख रहे हैं तो उसके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट जितना भी स्टेज आया सबका वर्णन होता है, इसलिए संपूर्ण संपूर्ण ग्रंथ साहित्य के रूप में इसको वर्गीकृत करते हैं यही रीजन से। वह हैं लघु उपन्यास, लघु उपन्यास, जीवन या समाज कर, जीवन या समाज कर कोनो विशेष प्रश्न के कोनो विशेष प्रश्न के लेके चलेला, और उसी कर अनुरूप समस्त नियोजन रहेला, पैराग्राफ चेंज, लघु उपन्यास कर उदाहरण स्वरूप रघुवंश महाकाव्य, और मेघदूत गीतिकाव्य के ले सकीला। वहें रघुवंश महाकाव्य, रघुवंशम और मेघदूत गीतिकाव्य के ले सकीला, और वहें नागपुरी भाषा साहित्य में चक्री, इन्वर्टेड कोमा में चक्री, प्रथम प्रकाशित लघु काव्य लघु उपन्यास आहे। पैराग्राफ चेंज, लघु उपन्यास कर पात्र मन के, अधिक प्रभावशाली बनाए पड़ेला, जैसे रघुवंश महाकाव्य में रघु परंपरा कर ही केंद्रन मिलेला। मेघदूत में हमरे कर समस्त चेतना पक्ष ही केंद्रित होवेला। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ,
कथा कर आधार पर कथा के आधार पर भी उपन्यास कर उपन्यास कर भेद होवेला कथा वस्तु के आधार पर पहला जैसे ऐतिहासिक दूसरा पारिवारिक तीसरा सामाजिक चौथा पौराणिक पांचवा घटना प्रधान छठा भाव प्रधान पहला चार जो है वो विषय वस्तु के दृष्टि से उसको डिवीजन किया गया और लास्ट का दो है वो वर्णन शैली के दृष्टि से उसका डिवीजन किया गया। विषय वस्तु के दृष्टि से वही तुम्हारा ऐतिहासिक पौराणिक पारिवारिक सामाजिक आ गया और वर्णन शैली की दृष्टि से दो हो गया तुम्हारा घटना प्रधान और भाव प्रधान। ठीक है, बाकी चरित्र चित्रण के आधार पे कह सकते हैं। दूसरा अगर चरित्र चित्रण के आधार पे करेंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर किसी के चरित्र को ही केंद्रित करके पूरा उपन्यास लिखा गया है, वो चरित्र चित्रण के आधार पे हुआ। अगर हम कोई संवाद के आधार पे करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो संवाद दिया जा रहा है उसी पे केंद्रित होगा और उस संवाद के इर्द गिर्द जितना घटनाएं हो रही है ना, जो संवाद को पूरा कर रहा है उसी पे केंद्रित होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, इस तरह के भेद को कर लेना। जब भी इस तरह का भेद करोगे तो डिफरेंट तरीके से भेद कर सकता है। देखो यही जगह प्रेजेंटेशन डाल दो, ठीक है, जैसे मान लो भेद है, ठीक। दूसरा हो गया तुम्हारा क्या, कथा वस्तु कर आधार पर, इसमें हो जाएगा दो पार्ट। एक हो गया तुम्हारा क्या, विषय वस्तु, इस तरह करो करो विषय वस्तु कर दृष्टि से दृष्टि से, और दूसरा क्या हो गया वर्णन शैली के दृष्टि से वर्णन शैली कर दृष्टि से दृष्टि से। ठीक है, इस विषय वस्तु के दृष्टि से जो होगा उसका डिवीजन दे दो, वर्णन शैली के दृष्टि से जो होगा उसका डिवीजन दे दो। दूसरा हो गया चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण इसके आधार पर कर आधार पर क्या है, कोनो एक चरित्र या पात्र पर केंद्रित। ठीक है, ठीक हो गया। उसी तरह आगे आगे संवाद हो गया, उसके बाद तुम्हारा उसी अनुसार भाषा शैली हो गया, उस आधार पर भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन डालना। ठीक है, अब लिखो उपन्यास और नाटक, उपन्यास और कहानी में अंतर, उपन्यास और नाटक में अंतर। तो पहला लिखो उपन्यास और कहानी में अंतर। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसका एक्सप्लेन करना तो बोलो, तो हम कथा वस्तु सबका एक्सप्लेन करके कुछ लिखा देंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, सब जगह एक ही होगा। नाटक में थोड़ा सा अंतर होगा, महाकाव्य खंड का जितना है ना सब में एक ही रहेगा, एक ही तरह का लैंग्वेज यूज होगा। अगर बोलोगे तो लिखवा देंगे, नहीं समझ में आ रहा तो चरित्र चित्रण को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके आधार पर कैसे होगा, वो सब चीज़ को हम लिखवा देंगे। हम लोग बता देना जैसे होगा, ठीक है, लिखवा देंगे।
लिखो उपन्यास और कहानी में अंतर। पहला उपन्यास और कहानी में अंतर। पहला कहानी जीवन कर एक झलक मात्र प्रस्तुत करेला। कहानी जीवन कर एक झलक मात्र प्रस्तुत करेला वह उपन्यास। संपूर्ण जीवन कर विशाल और व्यापक चित्र उपस्थित करेला। संपूर्ण जीवन कर विशाल और व्यापक चित्र प्रस्तुत करेला। दूसरा लिख लिया कहानी जीवन कर एक झलक मात्र प्रस्तुत करेला वह उपन्यास। संपूर्ण जीवन कर विशाल और व्यापक चित्र प्रस्तुत करेला। सेकेंड कहानीकार एक भाव कहानीकार एक भाव या प्रभाव विशेषकर चित्रण करेला। कहानी में कहानीकार एक भाव या प्रभाव विशेषकर चित्रण करेला वह उपन्यास। उपन्यास में उपन्यासकार पूरी परिस्थिति और गतिशील जीवन कर झलक देवेला। नेक्स्ट कहानी में थोड़े समय में महत्वपूर्ण बात कहे होवेला। सेले कथा कर सूक्ष्मता इकर में आवश्यक होवेला। एगो भाव विशेष कर ही चित्रण करे कर प्रयास करेला। ओहे उपन्यास में
उतई आवश्यकता नी होएला जेतई उतई आवश्यकता नी होएला जेतई व्यापक दृष्टिकोण भाव रस और परिस्थिति कर समग्र रूप में चित्रण कर आवश्यकता नहीं होला जेता ये व्यापक दृष्टिकोण भाव रस और परिस्थिति कर संपूर्ण रूप में चित्रण कर रस कर विभिन्न रूप कर रस कर विभिन्न रूप मनक समावेश उपन्यास में हो सकेला। नेक्स्ट कहानी द्वारा प्राय हल्का मनोरंजन या कम मनोरंजन ही संपादित होवेला बल्कि उपन्यास परिस्थिति और पात्र कर पूर्ण चित्रण द्वारा पूर्ण चित्रण द्वारा हृदय मंथन और संस्कार भी करेला नेक्स्ट अब नाटक और उपन्यास में डिफरेंस लिखो। नाटककार अपन समस्त रचना में अप्रत्यक्ष रहेला वो स्वयं कुछ नहीं करेला वो जे कुछ कहे उके जे कुछ कहे खोएला वो पात्र